अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया आज का हमारा टॉपिक है सॉल्व लेप्लास इक्वेशन इन थ्री डी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका सलूशन मैं आपको बताने लगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को हम डिनोट करते हैं आर थीटा फाई से और डेल स्क्वायर को हम डिनोट करते हैं इस इक्वेशन से ये प्रूफ मिल जाता है नेट पे पर हमने इसको ऐसे याद करना है क्योंकि फिजिक्स में दोबारा क्वेश्चंस को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती जो प्रूफ हो चुका होता है उसको ही हम लेट करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको हमने सॉल्व करना है लेप्लास इक्वेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिप्लासिक इक्वेशन होती है डेल्स के साई और साई कोऑर्डिनेट होती है एक्स वाई जी के लेकिन इधर हमने स्फेरिकल लिया है इसलिए हमने इसका लेना है आर्थिक और इसको डेल स्क्वायर के साथ ऑपरेट करवाना है डेल स्केयर के साथ जब ऑपरेट होगा ये पूरा साई तो इसकी इस तरह की क्वेश्चन बन जाएगी फिर उसके बाद हमने इसको मजी सिंप्लीफाई करना है वेरिएबल सेपरेशन टेक्निक से क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि हमने इसको लिप्लास इक्वेशन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करना है हमारे पास जो साई है वो आर थीटा फाई है और हम इसको सेपरेशन टेक्निक से वेरिएबल सेपरेशन टेक्निक से इसके इक्वल लेट कर लेंगे आर आर का फंक्शन है और थीटा थीटा का और फाई फाई का और ये ये सोल्यूशन आएगा हमारे पास को हमने में कर देना है जहां जहां सही है जब हमने पुट करना है तो इसकी इक्वेशन कुछ यूं बनेगी फिर इस इक्वेशन को हमने थीटा और फाइव को अलग कर लेना है और जो फंक्शन है डेरिवेटिव है उसके साथ जो इजिली फंक्शन ऑपरेट हो रहा हो मतलब कि डिफ्रेंशिएशन हो सकती हो उसको उधर ही रह देना बाकी को कॉमन ले देना इस क्वेश्चन पूरी में यही किया हुआ है फिर उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को हमने आर थीटा फाइव से डिवाइड कर देना है जब हमने इसको डिवाइड करना है तो हमारे पास एक वेरिएबल ये, ये आ जाना है ये आ जाना है और ये आ जाना है क्योंकि इसको अगर हम थ्री डी ही में सॉल्व करें तो इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी और लेंथी हो जाती है इसलिए हम इसको पहले टू डी में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका सोलूशन लिखेंगे और फिर इसको दोबारा थ्री डी में कन्वर्ट करेंगे इसलिए हम पहले इसको टू डी में कन्वर्ट करने के लिए फाइव को जो है हम जीरो के इक्वल रखेंगे

फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि ये हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद नहीं है साइंस के थीटा का ये आर्क है इसलिए हमने इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना और डिवाइड कर देना साइंस के थीटा से जब डिवाइड करना तो हमारे पास एक ये आ जानी है अब क्योंकि हमारे पास ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है इसी तरह हमने इसको जो है पार्शल डेरिवेटिव से सिंपल डेरिवेटिव में पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना है और फिर उसके बाद ये इक्वेशन दो आई है आर आर और थीटा थीटा वाली

कॉन्स्टेंट लेना है क्योंकि हम इधर ही इसी कांस्टेंट से ले रहे हैं ताकि हमारी की जो कैलकुलेशन है वो इजी हो सके इसलिए हमने इसके साथ नेगेटिव से करना है इसकी कंडीशंस होती हैं यहाँ तो आप फर्स्ट को पॉजिटिव पॉजिटिव कर लो सेकंड को नेगेटिव और फिर तो तीसरी होती है वो तो कुछ भी लेट कर सकते हैं हम पॉजिटिव या नेगेटिव इधर हमने पहले पॉजिटिव कर लिया फिर नेगेटिव कर लिया

अब मैंने एक्स को लेट किया है कॉस थीटा के इक्वल जब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इसका कुछ वैल्यू यू आती है -sin थीटा हम अब इधर चेन रूल अप्लाई करेंगे डी ओवर डी थीटा का तो वो कुछ यूँ होता है चेंज रूल मीनस की ये जो वैल्यू है ना इसको डी एक्स और इसको डी एक्स से डिवाइड कर देंगे ये कट हो जाए तो फिर वापस वही वैल्यू आ जाती है कुछ ऐसा कॉन्सैंड लेना होता है कि अगर कटिंग हो जाए तो उसके साथ दोबारा वही वैल्यू आ जाए जैसे कि अब हम इसको कट कर दें तो दोबारा डी ओवर डी थीटा आ जाने ये चेंज रूल होता है हमने डी एक्स और डी थीटा की वैल्यू पुट करनी है और फिर उसके बाद ये जो साइन है, है ये इस तरह जो ये आई हुई है, जो हमने निकाली हुई है उपर, उस पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है साइन थीटा वैसे थीटा जैसे मैंने बताया था कि उसकी तरफ इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो है और अब हमने जो ये डी ओ व डी थीटा इधर जितनी जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर देनी है ये डी ओ वो डी थीटा की ये पुट करनी है हमने ये साथ साथ से कट जाने, ये होना है, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो, हो जाना गई इसी तरह फिर उसके बाद की वैल्यू होती है cos और एक्स केयर हमने एक्स के कॉस जो हमने लेट किया के हमने उसको वैसे लेट कर लेना है और यहाँ साइंस केयर थीटा उधर हमने लिख देना वन माइनस एक्स केयर

और जो ये इसकी क्वेश्चन है इसकी इक्वेशन इसको जो है आर स्केर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको इधर इस क्योंकि आर जीरो, है और आर जीरो की वैल्यू वन होती है इसलिए ये इधर से हम रिमूव कर देंगे इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सोलूशन कुछ यूँ आएगा और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका हम सोलूशन इस तरह लेते हैं एम, डी, एम ये हमने पढ़ा हुआ है और हमारे पास जो इक्वेशन होती है ये वाली इस तरह की हम इसको इस वैल्यू से डिनोट करते हैं इसको आइलर मैथ कहते हैं फिर उसके बाद हमने थ्री डी में अब कन्वर्ट कर लिया है इसको थ्री डी की वैल्यू पुट कर लेनी है और फिर हमने इसका सोलूशन लिखना के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिंग के अकॉर्डिंग फिर उसके बाद हमने इधर सोमेशन लगाना है इसको जिसको आ, एल के जीरो से शुरू होकर इन्फिनी तक जा रहा है उधर ये एम है वो नेगेटिव से शुरू होकर के एल तक जा रहा है ये जन है इसका हमने सोलूशन लिखना है ताकि ये हमारे पास जो सोलूशन है वो हमारा प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग आ सके इतना ही क्वेश्चन था आज का उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी अगर आप अपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें शुक्रिया अल्लाह हाफिज